हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर हूँ दोबारा एक नई वीडियो के साथ और बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है मैच खेल रही है अपने होम ग्राउंड में, और 2-1 से जो है वो हम हार भी चुके हैं। तीसरा चौथा T20 आई, फिर आखिरी मैच जो है वो होने वाला है कल। उसके बाद जो है फिर न्यूजीलैंड की टीम वापस चली जाएंगी। उसके बाद हमारा आयरलैंड का जो है वो टूर है, उसके बाद फिर जो है वो हमारा इंग्लैंड का टूर है। खैर, नेक्स्ट जो है वो फिर मतलब न्यूजीलैंड की टूर के जो है वो कंफर्म हुआ है कि शायद जनवरी में जो है न्यूजीलैंड की टीम दोबारा पाकिस्तान आए और वहां पर जो है ट्राई नेशन सीरीज हो चैंपियन ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की। इसके अलावा एक और सीरीज जो है वो कंफर्म हुई है कि जिनमें पाकिस्तान 5 T20I मैचेस और 3 ODI मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में जो है वो जाकर खेलेगा। और ये मैचेस जो होंगे वो IPL की जो विंडो होगी, मतलब अप्रैल मई की जो विंडो होगी चैंपियन ट्रॉफी के बाद, उसमें जो है वो ये मैचेस खेले जाएंगे। और इसकी जो है वो कंफर्मेशन न्यूजीलैंड के जो CEO है क्रिकेट के, उन्होंने जो है वो कर दिया कि पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड का विजिट जो है वो करने वाली है। इसके अलावा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसको जो है वो पाकिस्तान के टूर पर जो है वो आ चुकी है और 3 सिटीज का जो है वो ये दौरा करने वाली है, इस्लामाबाद, एबटाबाद और लाहौर। तो ये मतलब होता है हर साल, या जब भी ICC के इवेंट्स आते हैं तो ये जो ट्रॉफी होती है ये पूरी दुनिया का जो है वो चक्कर लगाती है। और अब जो ये ट्रॉफी है पाकिस्तान आ चुकी है और इसको इस्लामाबाद में 1-2 दिन रखा जाएगा, फिर एबटाबाद, उसके बाद लाहौर में जाएगी और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा अगले मुल्क के टूर के लिए जो है वो वापस चली जाएगी। इसके अलावा आगे चलते हैं और बात करते हैं नाज़िश जहांगीर की। नाज़िश जहांगीर आप जानते होंगे, उन्होंने जो है वो एक प्रोग्राम में कह दिया था कि बाबर आजम जो है वो, अगर बाबर आजम को जो है वो मुझे शादी की पेशकश करे तो तब भी जो है वो बाबर आजम के खिलाफ, बाबर आजम के साथ जो है वो शादी नहीं करूंगी। इस चीज को लेकर जो है वो बाबर आजम के जो फैंस हैं उन्होंने जो उनका जो कमेंट सेक्शन है, उनका जो इंस्टाग्राम है, उनके ऊपर जो है धावा बोल दिया और बहुत बुरे बुरे जो है उन्होंने कमेंट्स किए, बहुत बुरा जो है वो भला बुरा भला कहा। उसके बाद उन्होंने जो है अपना इंस्टाग्राम जो है उसको प्राइवेट कर दिया, फिर जो है कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। उसके बाद जो है वो दोबारा से मतलब वापस आई और उन्होंने जो है वो पोस्ट लगाई कि बाबर आजम को जो है वो आप अपनी बहन का जो है रिश्ता दे दे, मेरी जान छोड़ ले, मेरा जो सिर्फ वो कहने का मकसद नहीं था, मेहरबानी करें और मेरी जान जो है वो छोड़ दें और नेगेटिविटी को जो है वो ना फैलाएं, मेहरबानी करें और ऐवे ही जो है वो आप मेरे पीछे पड़ चुके हैं, मेहरबानी करें कि मुझे जो है वो ज्यादा तंग ना करें। और बाबर के फैंस जो है उन्होंने तो बुरा हाल कर दिया था। और बाबर फैंस जो है वो आप जानते हैं कि बाबर आजम के बारे में बुरी बात हो और वो बर्दाश्त कर लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खैर, नाज़िश जहांगीर की जो है वो उन्होंने काफी तंग किया, फिर उन्होंने जो है वो अपना अकाउंट प्राइवेट किया कर लिया कुछ अर्सा, कुछ दिन के लिए, फिर जो है वो उन्होंने अपना अकाउंट जो है उसको दोबारा से पब्लिक किया और उनका मेरा जो है वो किस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो है वो प्लीज आप तंग ना करें। तो खैर, वीडियो यही तक थी, अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। तो मिलता है फिर वीडियो।